ये एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर थे, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब कपड़ा खुल गया, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए, मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है कि जहां भी आप कार्यक्रम करते हो वहां कोई ना कोई भारत की विशिष्ट माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए, तो आसपास के लोग भी ये जाने कि कौन सी महिलाओं के नाम से गार्डन बनाया हुआ। कल ये सब प्रेस में आएगा मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है। ये एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुदा वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे, तो सब काम कौन करेगा, हमें ही करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? अभी चल रहा है संबोधन, चल रहा है। एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है, वो संस्कार देना है वे लोग बच्चों को। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार, टीचर्स भी फोटो खिंचवाने के लिए, मैडम इधर आओ। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना, डेढ़ घंटे का प्रवास करके मैं सीतापुर को मैंने कहा, और दूसरा ये सेना का कक्ष था, और इसी वजह से मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम वहां होगा। आपने बच्चों को फलदार पौधा दिया, कहाँ लगाएंगे वे, क्यों लगाएंगे अपने? आपने दिया, लेकिन जहां लगाएंगे वहां माँ के नाम से लगाएंगे। मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है कि जहां भी आप कार्यक्रम करते हो वहां कोई ना कोई भारत की विशिष्ट माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए, गार्डन का नाम भी बनाना चाहिए जहां 1000 पेड़ लगे, 500 पेड़ लगे, तो आसपास के लोग भी ये जाने कि कौन सी महिलाओं के नाम से गार्डन बनाया हुआ है, तो इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करें। मोबाइल तो सबके पास।